की दाल और चावल की खिचड़ी बनाई है और मैंने इसे किस तरह से बनाया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देख रहे हैं जी, ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है और ये मैंने दाल को अच्छे से धो के दाल और चावल दोनों चीज मैंने बराबर में लिए हैं। जैसे एक कटोरी चावल है तो इसमें एक कटोरी दाल है, इसको भिगो के एक घंटे के लिए रख दिया था। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से खिचड़ी बना के खाओगे, ये बहुत हेल्दी होती है। तो देखिए, ये जीरा मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें ये थोड़ी हींग ऐड करूंगी। खिचड़ी में हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, जितनी ज्यादा अच्छी हींग होगी इतना ही फ्लेवर। और देखिए फ्रेंड, सबसे स्पेशल इस खिचड़ी की ये बात है, मैंने ये राजमा और हरी मिर्च को उबाल के एक साथ तैयार किया है। अब देखिए, मैं इसी के साथ ये ऐड कर रही हूँ ये चावल और खिचड़ी को दाल को। देखिए, अब इसमें ये धनिया पाउडर ऐड किया है, ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर खिचड़ी में हमेशा कम रखना चाहिए, ये बहुत लाइट अच्छी लगती है। और अब ये देखिए, मैं इसमें राजमा और हरी मिर्च को ऐड कर रही हूँ। खिचड़ी बनाने का ये बिल्कुल अलग तरीका है। और सारे मसालों को अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। देखिए, अब आपको मैं दिखा देती हूँ, कलर भी इसका बिल्कुल अलग आया है। और अब इसमें जैसे मैंने ये दो कटोरी चावल और दाल लिए हैं मिला के, तो उसी हिसाब से चार कटोरी करीब इसमें पानी डालना है। देखिए, मैंने चार कटोरी का एवरेज बनाया है। और अब ये एक चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। और अब इसे मैं फिर से एक बार चला के, अब इसके ढक्कन को बंद कर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि हमारी खिचड़ी बनी है कि नहीं बनी। देखिए, हमारी खिचड़ी बन के तैयार है। अब हम इसमें इसे हम गार्निश कर लेते हैं। देख रहे हैं, मेरी खिचड़ी बनके तैयार है। इस तरह से आप खिचड़ी बनाएंगे तो सभी घर में खाना बहुत पसंद करेंगे। और अब मैं इसमें ऊपर से ये बटर रख देती हूँ, ये मेरे घर का ही बटर है। देखिए, तो प्लीज आप भी इस तरह से खिचड़ी की रेसिपी बना के देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। Oh, baby, now, let me warm you up.